गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ चेंगु कुमार, योर मैथमेटिक्स टीचर एंड योर क्लास टीचर. ओके, एंड टुडे योर क्लास फॉर मैथमेटिक्स ऑन टॉपिक बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज एंड चैप्टर 4. ओके स्टूडेंट्स, देखिए आपके थ्री चैप्टर्स जो हैं, आपके जो थ्री चैप्टर्स हैं वो आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आ चुके हैं. बाकी हम चैप्टर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका आपका नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज. ओके, देखिए स्टूडेंट, मैं शुरुआत करता हूँ इसकी. यहाँ सबसे पहला पॉइंट आता है आपका, पॉइंट ही नाम है उसका भी, ठीक बेटा. अब पॉइंट किसे कहते हैं, मैंने एक की डॉट लगाया, इट इज़ पॉइंट, और थोड़ा सा बड़ा लगा देता हूँ मैं, इट इज़ पॉइंट. क्या ये पॉइंट, ठीक है. पॉइंट इज यूज टू डिटरमाइन एनी लोकेशन, पॉइंट इज यूज टू डिटरमाइन एनी लोकेशन, ठीक है. और इन पॉइंट्स को यूज करके मैं कुछ भी बना सकता हूँ. ऐसे मैंने एक ये सेप बना दी, ठीक. और उसके बाद इन पॉइंट्स को यूज करके मैं एक और भी सेप बना सकता हूँ. जैसे मैं आपके सामने क्या बनाने वाला हूँ, रेक्टेंगल. ये मैंने क्या बना दिया, रेक्टेंगल, ठीक है. और इस पॉइंट को यूज करके मैं, जैसे मैंने अब ये ट्राइंगल बनाया, तो ये थ्री पॉइंट्स हो गए इसके जो मीट कर रहे हैं एक दूसरे को, जहाँ इसके जो इसकी साइड्स मीट कर रही हैं, ठीक है. तो बेटा एनी डॉट इज कॉल्ड पॉइंट, पॉइंट से यूज टू डिटरमाइन एनी लोकेशन. ओके, कहने का मतलब जैसे पूरा ब्लैक बोर्ड है, अब मुझे क्या पता कि मैं कहाँ रखने वाला हूँ, तो मैंने अपने मार्कर को इधर पुट किया, ठीक है. तो इसकी लोकेशन हो गई, मैंने मार्कर को कहाँ पुट किया, यहाँ, यानी कि इस पूरे ब्लैक बोर्ड के इस पूरे वाइट बोर्ड के ऊपर आपको एक लोकेशन डिफाइन हो चुकी है, ठीक है. तो इसी वजह बोलते हैं पॉइंट इज यूज एज ए डिटरमाइनर ऑफ लोकेशन. ओके, उसके बाद अगले टॉपिक की बात करते हैं. दूसरा आता है हमारा, पॉइंट हो गया. अब दूसरा जो टॉपिक आएगा बेटा, वो आता है हमारा लाइन. क्या आता है, एक आता है आपका लाइन एंड लाइन सेगमेंट. देखिए लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या अंतर, दूसरा पॉइंट है आपका लाइन, ठीक. लाइन में क्या आता है बेटा, मैंने सिंपल एक ही लाइन खींच दी, ठीक है. मैंने एक सिंपल लाइन ड्रॉ किया, ये एक आपकी लाइन है, और इसको हम जो डिनोट करते हैं, इसकी जो नोटेशन होती है, डिनोटेड बाय ए बी और ऊपर सिंपल लाइन, ए बी सिंपल लाइन एंड और कैपिटल एल, ठीक है. इसको कैपिटल एल से डिनोट कर दिया, या फिर हमने इसको ए और बी नाम दे दिए, ठीक है. क्या नाम दे दिया, ए एंड बी. ये आपकी सिंपल लाइन है. ये कहाँ ख़त्म हो रही है, कहाँ से शुरुआत हो रही है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होगी. कैसे ख़त्म हुई, कैसे कहाँ ख़त्म हुई, कहाँ जा रही है, हमें कोई जानकारी नहीं होगी. ये सिंपल एक आपकी लाइन है, ठीक है. अब बात आती है आपकी दूसरी, थर्ड पॉइंट आता है आपका लाइन सेगमेंट. अब देखिए लाइन सेगमेंट पे क्या है, जैसे यहाँ आप लोग देख रहे हो कि एक सिंपल लाइन है, पहले सिंपल लाइन ही ड्रॉ करूँगा. देखिए सिंपल लाइन होगी, अब मैंने इस पर इसके पॉइंट्स दे दिए, इसको टू पॉइंट्स मैंने किए, इन पॉइंट्स को बोला मैंने ए एंड बी, इसको बोला मैंने बी, ठीक है. तो ये आपका लाइन सेगमेंट हो गया. यहाँ हमें पता है कि ये ए से स्टार्ट हुआ एंड बी पे इसका एंड हो गया, यानी कि इसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों की हमें जानकारी होगी, दोनों के दोनों नॉन होंगे, कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है. एंड इट इज डिनोटेड बाय ए बी और ये दोनों तरफ एरो, ठीक है. सिंपल इसका नोटेशन ये है, ए बी ऊपर लाइन खींच के आपको दोनों तरफ एरो लगा देना है, ठीक है. और एग्जांपल के तौर पे आप देखते हो, जैसे कई बार आपने देखा है आपके जो स्केल होती है, इस पे स्केल इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है. और अब आप कहने लगो जी रेल की एक पटरी को ले लो, कितनी लंबी जा रही है हमें नहीं पता, इट इज सिंपल लाइन. एग्जाम्पल के तौर पर आप लाइन में ले सकते हो, रेलवे लाइन जो होती है आपको पता नहीं कहाँ जा रही है, एक सिंपल लाइन को एक लाइन को ले लो, उसी को पता ही नहीं कहाँ जाके एंड हो रहा है. और यहाँ जैसे आपका स्केल हो गया, आपके रूम की जो साइड्स हैं वो हो गई, जैसे हाइट है, लेंथ है, वो सब आपकी क्या है, लाइन सेगमेंट की कैटेगरी में आ जाती हैं, ठीक है. और उसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका, लाइन हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया. एक आता है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन्स. देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस पे फोर्थ पॉइंट है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस.
देखिए इंटरसेक्ट करने के लिए हमारे पास मिनिमम टू लाइन्स होनी चाहिए, कम से कम इंटरसेक्शन एक लाइन तो सिंपल जा ही रही है आपकी, सिंपल लाइन जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइन सेगमेंट है सिंपल जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है या लाइन सेगमेंट कुछ भी है। लेकिन जब हम किन्हीं भी जहाँ इंटरसेक्टिंग की बात होगी वहाँ एटलीस्ट टू लाइन्स का होना बहुत जरूरी है हमारे पास। वी हैव टू एटलीस्ट टू लाइन्स, फर्स्ट वन दिस, ये मैंने लाइन सेगमेंट ले लिया P एंड Q, एंड सेकेंड वन X एंड Y, एंड इट इज इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट M, एंड इट इज इट्स इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट M, यानी ये एक दूसरे को पॉइंट M पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और दो लाइनें मेरे पास P एंड Q, X एंड Y, और कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं M पे, ठीक है। उसके बाद में देखिए एक तो हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं हम, जो इसका पॉइंट M है इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट, अब बेटा एक चीज होता है, एक होता है मीट पॉइंट, क्या होता है मीट पॉइंट, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ इन दोनों में डिफरेंस होता है। मीट पॉइंट जो होता है आपका वो होता है, जैसे सपोज कीजिए मैंने दो लाइन खींची ऐसे, इन्हीं को ले लेते हैं, मान लीजिए एक्स हो गई, ठीक है, और दो लाइन मेरे पास सपोज कीजिए आप, एक तो है ओ क्यू और एक है ओ पी, ठीक है, तो इस पॉइंट को ओ मानिएगा आप, ये हो गया क्यू आपका और ये हो गया पी, तो इसको बोलते हैं हम मिड पॉइंट, ये क्या है आपका मिड पॉइंट, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट और हमारा जो मिड पॉइंट होता है दोनों में बस इतना ही अंतर होता है कि ये एक दूसरे के लाइन को कट करते हैं, जबकि एक दूसरे के लाइन पर कट नहीं, पार नहीं जाते हैं, एक दूसरे से कट करके नहीं जाते हैं, एक दूसरे पर बस मिलते हैं, ये होता है आपका मीटिंग पॉइंट, ओके। मीट पॉइंट बोलते हैं, मीटिंग पॉइंट बोलते हैं, एक ही बात है। उसके बाद आती है आपकी पैरेलल लाइंस, कौन सी पैरेलल लाइंस। और देखिए पैरेलल लाइंस का सबसे अच्छा एग्जांपल आपका, आप इसको देखिए अच्छे से नोट करेंगे अपनी कॉपी में, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, पॉइंट लाइंस और आपका फिर हो गया लाइन सेगमेंट, एंड फोर्थ वन इज इंटरसेक्टिंग लाइन, एंड फिफ्थ पॉइंट है आपका मीट पॉइंट, ठीक है, या मीटिंग पॉइंट बोलते हैं, एक ही बात है। और उसके बाद में आपका आता है पैरेलल लाइंस, कौन सी लाइन पैरेलल लाइंस, देखिए जब समझते हैं पैरेलल लाइंस के बारे में, देखिए स्टूडेंट्स आपका सिक्स पॉइंट है पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस, देखिए पैरेलल लाइंस में आपको बता दूं, पैरेलल लाइंस बिल्कुल, सबसे पहले एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जो रेल की पटरी होती है अगर आप दोनों लाइंस को देखो तो वो ना कहीं मुड़ती हैं ना कहीं कुछ होती हैं, बिल्कुल सीधी जाती होती हैं, आप चाहे कितनी भी दूर तक देखो, तो ऐसी लाइंस जो एकदम सीधी जा रही हैं सेम डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में बिल्कुल सीधी जा रही हैं, उनको बोलते हैं हम पैरेलल लाइंस। जैसे सिंपल मैंने टू लाइंस ली या लाइन सेगमेंट्स ले लिए, एक ही बात है, लाइंस की बात करो या लाइन सेगमेंट की बात करो, ये ए बी सी डी, आप देख रहे हो ये बिल्कुल सीधी जा रही है ना, आपको कहीं ये कटती हुई दिखाई देंगी नहीं कहीं। अगर सपोज कीजिए मैं इन लाइंस को ऐसे ड्रॉ कर दूं, ये मेरी ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई, ये डी हो गई, अब आप इनको, ये आपकी पैरेलल लाइंस हैं, ये आपकी नॉन पैरेलल लाइंस है, क्यों, क्योंकि जैसे आप इनको आगे आगे बढ़ाओगे, थोड़ा डॉट डॉट करके मैं आगे बढ़ाता हूँ और इसको भी आगे बढ़ाता हूँ, तो आप देख रहे हो एक दूसरे को काट रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन या मीट कर रही हैं, लेकिन इंटरसेक्टिंग कर रही हैं या फिर मीट कर रही हैं, लेकिन आपकी जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को ना तो इंटरसेक्ट करती हैं और ना ही मीट करती हैं। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, हम बात कर रहे थे पैरेलल लाइंस पे, मैंने आपको बताया पैरेलल लाइंस हमेशा सीधी जाती हैं, वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और ना ही एक दूसरे के कभी करीब आती हैं, कहने का मतलब कभी एक दूसरे से मिलती हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ ए बी और सी डी की, तो यहाँ देख रहे हैं मैंने डॉट डॉट लाइन करके इसको थोड़ा आगे बढ़ाया, तो आपने देखा कि ये लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, ठीक है, या फिर मैं इतने हिस्से को मिटा देता हूँ तो एक दूसरे को मीट कर रही है, ठीक है, या फिर इंटरसेक्ट कर रही है। तो आपको मैं बता दूं, जो आपकी पैरेलल लाइंस होती हैं वो कभी ना तो इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, ना ही कभी एक दूसरे को मीट करती हैं, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ जाती हैं आपकी, नॉन पैरेलल लाइंस, नॉन पैरेलल लाइंस, और ये आपकी जो कैटेगरी है ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है। अब सबसे अच्छा एग्जांपल इसका रेल की पटरी होता है, आप रेल की पटरी पर खड़े होकर देखिए, आप देखते रहिए, आगे देखिए पीछे देखिए, आपको रेल की पटरी
हमेशा देखेंगे कि वो दोनों बिल्कुल अलग अलग जा रही हैं, एक डायरेक्शन में तो जा रही हैं लेकिन बिल्कुल अलग अलग हैं, कभी आपको मिलती हुई नहीं दिखेंगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल लास्ट में मिलती, बिल्कुल अगर आप बहुत दूर देखो तो एक जगह ऐसे लग रही होंगी जो आपको ऐसे, जैसे आप रेल की पटरी पर ऐसे खड़े होकर उनको देख रहे हो तो आपको बिल्कुल पहले सीधे दिखेंगी, फिर आपको एक जगह लास्ट में जब बिल्कुल जहाँ तक आपकी आई, जहाँ तक आपकी आँखें हो, आँखों से आप देख सकते हो, वहाँ तक जो जा रहा होगा आपको एक ऐसा पॉइंट दिखाई दे रहा होगा। वो बस एक इल्यूज़न है, रियल में नहीं है, लेकिन दिखने में ऐसा लगता है कि एक दूसरे को कट कर रही हैं, सब वो सिर्फ एक इल्यूज़न होता है, रियल में ऐसा नहीं होता है। तो हमेशा रेल की पटरी आप कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं और नॉन पैरेलल लाइंस ये वाली होती हैं, ठीक है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लोगे। और उसके बाद में एक आता है आपका, हाँ इसकी नोटेशन बता दे रहा हूँ, इट इज डोनोटेड बाय, ये डोनोटेड बाय ए बी पैरेलल टू सी डी, इससे डिनोट की जाती है, ठीक है। अब जो नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं वो ए बी पैरेलल सी डी, ये नॉन पैरेलल, तो इसको ऐसे कट कर दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, वैसे इसकी नोटेशन पैरेलल लाइंस की ये है, आप इसको नोट डाउन कर लोगे अपनी कॉपी में। उसके बाद हमारा 7 पॉइंट आता है बेटा रे, ठीक है। हमारा अगला पॉइंट क्या आता है, रे। अब आप कहोगे सर रे क्या होता है, देखिए रे अगर एक छोटी सी डेफिनेशन दें तो रे इज ए पोर्शन ऑफ लाइन, ये सिर्फ एक लाइन का पोर्शन होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। अब जैसे अब रे की पहचान क्या होती है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने टॉर्च ली, ठीक है, टॉर्च क्या है, जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ छोटी सी टॉर्च बना के दिखाता हूँ, और अब इसमें से ऐसे आपकी लाइट निकलती है, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसी तो निकलती है लाइट, जब आप टॉर्च जलाते हो तो कुछ ऐसे करके इन्वायरमेंट बनता है आपका, ठीक है। तो ये जो इसमें से ये निकल रही है, देखिए एक सेम डायरेक्शन में जा रही है, ये आपकी क्या है, सब रे है, ठीक है। ये क्या है रे, तो मैं सिंपल ये आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, इट इज रे, ये क्या है बेटा रे, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंड कहाँ होगा पता नहीं है, मैं इन्फानाइट तक जाती है, एंड कहाँ होगा पता नहीं, इसको बोलते हैं बेटा हम रे, ठीक है, इस लाइन को। और इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए हो गया, एंड पॉइंट हमको कोई जानकारी नहीं होती, एंड पॉइंट कहाँ मिलने वाला है, कहाँ जाएगी हमें नहीं पता, बस इतनी पता है कि सेम एक ही डायरेक्शन में वो अपना मूवमेंट कर रही है, यानी एक डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। और इसको जैसे डिनोट किया जाता है, मान लीजिए सपोज कीजिए मैंने कहा ए, इसको थोड़ा आगे जाके मैंने पॉइंट दे दिया बी, यहाँ तक जा रही है, अगर मुझे इसको डिनोट करना है कैसे डिनोट करेंगे, तो इट इज डिनोटेड बाय ए बी और रे, इस पर ये सिंबल लगा दिया जाता है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए आप, ए बी रे, ठीक है, ये आपकी रे की नोटेशन हो गई। देखिए मैंने आपको 7 पॉइंट बताए, पहला आपका मैंने सिंपल पॉइंट बताया आपको, फिर लाइन सेगमेंट, फिर इंटरसेक्टिंग लाइन, फिर मिड पॉइंट क्या होता है या इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है, पैरेलल लाइंस और रे। ये आपका जो चैप्टर है इसी में हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ते जाएंगे, फिर उसके बाद में हम कर्व्स पढ़ेंगे, ठीक है। और अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज शुरू करने वाला हूँ, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, मैं थोड़ी देर के लिए क्लियर छोड़ रहा हूँ बिल्कुल। और आप इसे मोबाइल को देखिए, जब आपको नोट करना है तो आप वीडियो को अपनी को पॉज करके, यानी कि वीडियो को रोक के आप इसको आसानी से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैंने रोक दिया है थोड़ी देर के लिए, आप यहाँ अपनी वीडियो को पॉज कर लेना, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, देखिए आप अपनी वीडियो को पॉज करके आराम से नोट डाउन कीजिए, इसको बढ़ते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा जो COVID-19 चल रहा है इसकी वजह से क्लासेस में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आपकी, क्लास जैसे ही स्कूल खुलते हैं आपकी जो क्लासेस शुरू होंगी तब आपका रिवीजन भी कराया जाएगा, टेस्ट वगैरह भी लिए जाएंगे, तो आप अपना कम से कम वर्क तो कंप्लीट करते रहिए डेली, जो भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, ठीक है, यानी जो भी आपकी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9457572724, ये मेरा पर्सनल नंबर है बेटा, ठीक है। आप इस पर कॉल या मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, और जब मैं आपसे होमवर्क मंगवाऊंगा, जब हमारे HW की बात आएगी कि आप अपना होमवर्क टू चेक, जब मैं आपसे होमवर्क भी चेक करने के लिए मांगूंगा तो वो भी आपको इसी मुझे नंबर पे पर्सनल पे भेजना है, ग्रुप में कोई नहीं सेंड करेगा, ग्रुप में कोई भी मैसेज सेंड नहीं करेगा, नो मैसेज एंड नो चैटिंग, ग्रुप में ना कोई मैसेज करेगा ना कोई
चैटिंग करेगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, बस ग्रुप में आपके रिलेवेंट क्वेश्चन ही आने चाहिए, आपके सिर्फ स्टडी से आपके एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए, इससे ज़्यादा बकवास नहीं करोगे, नहीं तो ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब आपके एक्सरसाइज पर आते हैं, नंबर आपने नोट कर लिया होगा। चलिए हाँ, तो स्टूडेंट देखिए अब हम बात कर रहे हैं आपकी इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 4.1 के बारे में, और वहाँ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपका यूज़ द फिगर टू नेम, यानी कि इन फिगर के एक फिगर आपको दे रखी है बुक में, उस फिगर के हिसाब से आपको जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लाइंस क्या होंगी, कर्व्स क्या होंगे, उसके हिसाब से आपको आंसर्स देने हैं, ठीक है बेटा। कुछ इस टाइप की फिगर है आपकी, और ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पॉइंट सी है, एक सेकंड में फिगर ड्रॉ कर लूँगा, यहाँ डी है और यहाँ ई है, यहाँ ओ है, और ये पॉइंट आपका बी है। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है बेटा मुझसे ए, उसमें पूछा है 5 पॉइंट्स, आपको 5 पॉइंट्स बताने, 5 पॉइंट्स बताने, ठीक है। अब इसका आंसर जो होगा बेटा, आपको 5 पॉइंट्स के बारे में पता ही है, देखिए पहला पॉइंट आपका डी, फिर ई ओ बी सी, डी ई ओ बी सी, आपका ये आंसर हो गए 5 पॉइंट्स हो गए। आंसर बी है आपका, सॉरी क्वेश्चन बी है आपका ए लाइन, ए लाइन। अब देखिए इस फिगर में आपकी बहुत सारी लाइन हो सकती हैं, ठीक है, उस सॉरी मैं गलत बोल गया, लाइन आपका एक लाइन पूछ रहा है, लेकिन हमारी लाइन दो भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, ठीक है, लाइन ज़्यादा होंगी, लेकिन मैं जो पॉसिबल लाइंस हैं वो लिख देता हूँ यहाँ। तो जैसे अगर मैं देखिए बात करूँ इस लाइन की, ये हमने पर्टिकुलर फाइनाइट पॉइंट लेके इसको मान रखा है, लेकिन डी बी भी हमारी क्या है, एक लाइन है, ठीक। यहाँ अगर बात करूँ मैं सेगमेंट ले रखा है, लेकिन अगर लाइन सेगमेंट नहीं होगा तो डी ई भी हमारी एक लाइन होगी, ठीक है। और अगर डी ओ की बात करें तो ये भी एक लाइन होगी, इसकी डी ओ की बात करें तो ये भी एक लाइन होगी, और ई ओ की बात करें, सॉरी अगर ई ओ की बात करते हैं तो ये भी एक लाइन होगी हमारी, ठीक है। लेकिन अब बात आती है बेटा देखो ओ सी, आप गलती से भी यहाँ तो आपको एक आंसर लेना है, कोई सा भी इनमें से एक आंसर ले लीजिएगा आप। अब बात आती है जैसे ओ सी है बेटा, ठीक है, अब आप कहोगे सर ओ सी भी एक लाइन है क्या, नहीं बेटा ये गलत आंसर हो जाएगा आपका। आंसर क्यों गलत होगा, ये आपकी गलत बात बैठेगी, गलत क्यों बैठेगी बेटा, इसके पीछे वजह आप समझिए इस चीज़ को। देखिए बेटा यहाँ पॉइंट ओ है और ये इधर जा रही है, ये किसका काम कर रही है, रे का, किसका काम कर रही है, रे है एक तरीके से, है तो ये भी रे, लेकिन इन पॉइंट्स की वजह से हम इसको लाइन बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ आगे कोई ऐसा पॉइंट नहीं आ रहा है बीच में, जिसकी वजह से इसको लाइन या लाइन सेगमेंट की कैटेगरी में रखें, तो ये सिंपल एक आपकी रे है, ठीक है, इस वजह से हम इसको यहाँ नहीं लेंगे। उसके बाद आपका यहाँ मुझसे थर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, थर्ड क्वेश्चन है आपका क्या है, फोर रेज, एफ ओ यू आर फोर रेज, ठीक है। अब देखिए रेज, मैं आपको थोड़ा सा रेज के बारे में बता दूँ, पहले मैंने अभी बताया था आपको, जैसे सिंपल एक ये पॉइंट है, यहाँ है हम गए, ये हमारी एक रे हो गई, ए पॉइंट स्टार्ट हुआ इसका। अब मुझे नहीं पता कि स्टार्टिंग पॉइंट तो यहाँ से होगा, एंड पॉइंट कहाँ है, लेकिन हम इसको समझने के लिए एक फाइनाइट पॉइंट इसको अपनी तरफ से कंसीडर कर लेते हैं बी, ठीक है। फाइनाइट पॉइंट कंसीडर कर लिया, जो इसका बचा हुआ पोर्शन है ये हमें इस चीज़ को बता रहा है कि आगे भी बहुत आगे तक जा रही है, हमें नहीं पता कहाँ तक जा रही है, ठीक है। तो बचा हुआ पोर्शन जो हमने इस पर पॉइंट ड्रॉ किया अपनी तरफ से, इसको ए बी और ए बी ले लिया, ठीक है, और इस पर जब हम ए बी ले लिया, इसके रो रे दिखाने के लिए हम इसको इस तरीके से इस पर साइन बना देंगे, ठीक है। जब हम इस तरीके से साइन बना देंगे इस पर, तो आपकी ये रे को डिनोट करेगा। अच्छा, उसके बाद अब आप यहीं देखिए, आप अगर मैं यहाँ से चलता हूँ ओ की तरफ, तो ई ओ ई जो है मेरे पास में, वो किस पर काम कर रहा है, सिर्फ लाइन सेगमेंट का, तो इसको मैं नहीं लूँगा। अगर मैं ओ डी की बात करता हूँ तो ये क्या है मेरे पास, रे। अगर मैं ओ डी की बात करता हूँ तो क्या है मेरे पास, ओ डी रे। उसके बाद अब जैसे मैं यहाँ से चला ओ बी की बात करता हूँ, सॉरी पहले इसी यहाँ से ले लेते हैं, डी बी की बात करता हूँ, सपोज करो आप ये कुछ नहीं है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है और ये पूरी लाइन जा रही है ऐसे, तो डी बी भी मेरी क्या है, रे। डी बी भी किसका काम कर रही है, रे का काम कर रही है। अब उसके बाद आप इस पॉइंट को हटा दीजिए, अब यहाँ से काम किया, आप देखिए आप ई से
बी तक, बी मैंने फाइनाइट पॉइंट लिया जैसे यहाँ ले रखा था, अब ये आगे जा रही है, जाने दीजिए। ई बी भी मेरी क्या है, एक रे, ठीक है। और उसके बाद अब मैं अगर यहाँ तक बंद कर दूँ, ओ बी को भी लूँ, तो ओ बी भी किसका काम कर रही है, रे का, ठीक है। और यहाँ चार आंसर पूछ रहा है, मैं एक आंसर और लिख देता हूँ क्योंकि पॉसिबल है, वो आपका है ओ सी। ओ सी भी एक आपकी किसका काम कर रही है, रे का। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा उसके बाद आपका डी आंसर है, डी क्वेश्चन है, फाइव लाइन सेगमेंट्स, फाइव लाइन सेगमेंट्स। अब देखिए लाइन सेगमेंट्स मैंने आपको बताया है, अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, इसको हटा दिया मैंने, लो ये लाइन सेगमेंट होता है ना, क्या होता है ये लाइन सेगमेंट। इसको डिनोट किससे किया जाता है, ए बी, ऐसे करके इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ ढूंढना है आपको लाइन सेगमेंट क्या क्या है। देखिए सब पता चल रहा है, डी ई एक लाइन सेगमेंट है, लिख लीजिए डी ई लाइन सेगमेंट है। उसके बाद आपका डी ई हो गया, डी ओ भी लाइन सेगमेंट है, डी ओ बी लाइन सेगमेंट है आपका। उसके बाद ई ओ भी लाइन सेगमेंट है, उसके बाद ओ बी भी लाइन सेगमेंट है, और उसके बाद देखिए और भी बन जाएंगे यहाँ, आपका डी बी भी लाइन सेगमेंट है, पूरा बी तक पॉइंट लेते हैं तो। उसके बाद ई बी भी आपका लाइन सेगमेंट है, ठीक है बेटा। मैं जितने पॉसिबल आंसर्स हैं वो लिख रहा हूँ, आपको जो सही लगे वो आप अपनी कॉपी में लिख लेना, कोई भी पांच, और ई ओ भी हो गया, हाँ बस यही है, ठीक है। पांच लिख दिया मैंने, आप चाहो कोई भी चार लिख लेना, ये लिख लो एक दो तीन चार पाँच, पाँच पूछ रहे तो पाँच आप ये लिख लेना, ठीक है। आपके ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चारों पार्ट्स हो गए बेटा, ठीक। जब आपके चारों पार्ट्स हो गए, अब आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इनके जो आपको आंसर सही लग रहा है, जहाँ फोर पूछ रहा है वहाँ फोर लिख लीजिए, आप एक पूछ रहा है एक लिख लीजिए, यहाँ फाइव पूछ रहा है फाइव लिख लीजिए, ठीक है। और मैं दो मिनट के लिए साइड हो जाता हूँ, आप जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैंने हटा दिया है। आपका क्वेश्चन नंबर टू है, एक लाइन दे रखी है मुझे, वो कुछ लाइन इस तरीके से है, ठीक है। इस पे पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। देखिए स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स दे रखे हैं मुझे, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर टू है आपका, बुक में देख लेना आप, मैं नहीं लिख रहा हूँ। नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज चूजिंग ओनली टू लेटर्स एट ए टाइम फ्रॉम द फोर गिवन। कहने का मतलब आपको यहाँ से 12 पेयर लाइन सेगमेंट्स के आपको 12 पेयर बनाने हैं, ठीक है। और किन्हीं दो पॉइंट्स को लेकर बनाना है, कोई भी आगे पीछे करके आप एडजस्ट करके दो पॉइंट कर लीजिए, और ऐसे करके आपको इसके 12 लाइन सेगमेंट्स बनाने हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेंगे 12 लाइन सेगमेंट्स, मैं बता रहा हूँ आपको, नोट करते जाइएगा। आंसर इसका जो सॉल्यूशन लिखें, आंसर क्यों लिख रहे हैं हम बार बार, कोई बात नहीं, एक ही बात है। देखिए सॉल्यूशन में क्या है, ए बी एक पहला सेगमेंट बनेगा आपका, ए बी, ठीक है, ए बी हो गया। ए सी ऐसी बनाइए ऑर्डर में जो गलत रहे ना कोई, ए सी, ए डी, ए डी, उसके बाद ए डी तक हो गया, बी सी, फिर बी डी, एंड आफ्टर दैट सी डी, ठीक है। उसके बाद अब रिवर्स में चला दीजिए, दो चार तो छः हो, ऐसे अब रिवर्स में डी सी, डी बी, उसके बाद डी ए, ठीक है, सी बी एंड सी ए, सॉरी सी ए एंड बी ए। अगर आप चाहो तो सिंपली यहाँ समझ सकते हैं, जो आपने यहाँ तक लिखे हैं सी डी तक इन्हीं को एक बार उल्टा कर दो, यहाँ से देखिए आप सारे उल्टे हो रहे हैं, ठीक है, सारे रिवर्स ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो आपके 12 पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमारे 12 पॉसिबल लाइन सेगमेंट्स यहाँ आपके बन चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको बोलते हैं आप
लाइन सेगमेंट जो पॉसिबल थे मैंने यहाँ लिख दिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है और इस पे लिखा हुआ है यूज द फिगर टू नेम। ये आपको एक फिगर दे रखी है, ठीक है, पैरेललोग्राम है, इसमें कुछ लाइंस लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइन और ये दे रखे हैं सब कुछ, जिसमें पॉइंट्स हैं आपके ए बी सी डी ई एफ ओ बी है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, उन लाइंस का नाम बताना है जिस पे पॉइंट आपका ई लाइज कर रहा है। पहले आप समझ लीजिए सिंपल सी बात, सपोज कीजिए ये मेरी कोई लाइन है ए एंड बी, ठीक है, लाइन सेगमेंट लाइन की बात है, थोड़ा सा अंतर है वो मैंने आपको बता रखा है, तो हम यहाँ कुछ भी ले सकते हैं। अब इस पर अगर मान लीजिए कोई पॉइंट लाइज कर रहा है, सपोज कीजिए मैंने यहाँ कोई पॉइंट रख दिया इस पे ई, तो हम यहाँ कहेंगे ई लाइज ऑन लाइन ए बी, या ई लाइज ऑन लाइन सेगमेंट ए बी या लाइन ए बी, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप ई पॉइंट किस किस पे आ सकता है, आपका ए ई पे आ सकता है, वैसे तो ये लाइन सेगमेंट बनना है यहाँ तक, लेकिन एक पूरी लाइन में सिंपल हम इसको मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे तक जा रही है, हमने तो इतने पॉइंट को तो लाइन सेगमेंट माना ए और ई को, तो यहाँ इसका आंसर ए ई होगा या फिर एफ ई होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ए ई, ठीक है, लाइन वो लाइन बोलना तो आप लाइन बना दीजिए, अगर लाइन सेगमेंट बोलता है तो लाइन सेगमेंट बना दीजिए, एक ही बात है, और एफ ई यहाँ आपका लाइज कर रहा है, वो बोल रहा है लाइन पासिंग थ्रू ए, एक ऐसी लाइन जो ए से पासिंग थ्रू ए, एक ऐसी लाइन जो ए पॉइंट से होकर जा रही है, ठीक है, पासिंग थ्रू ए पॉइंट ए, तो आपका देख रहे हो इस पॉइंट से जो लाइन पास होकर जा रही कौन सी है, वो भी ए ई है, अगर लाइन की बात कर रहा है तो लाइन, अगर यहाँ लाइन सेगमेंट होता तो हम लाइन सेगमेंट इस पर एरो बना देते, ठीक है। अब लाइन ऑन विच ओ लाइज, वो कौन सी लाइन है जिस पर ओ लाइज करता है, किस पे कर रहा है बेटा, वो सी ओ पे, किस पे करता है, सी ओ पे, आंसर इसका सॉल्यूशन ये हो गया, इसका सॉल्यूशन आपका ये हो गया। उसके बाद टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, ऐसे लाइंस के पेयर बताइए जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, टू पेयर्स बनाने हैं आपको, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका सी ओ और ए ई, ठीक है, एक हो गया आपका सी ओ एंड ए ई, ठीक है, दूसरा होगा आपका एफ ई, लाइन एफ ई एंड ए ई, ठीक है बेटा, ये आपके इनके आंसर हो गए, मैं साइड हट जाता हूँ, आप नोट डाउन कर लें। अब देखिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा, जल्दी करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 पे बोला है उन्होंने कि हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू, मैं लिख देता हूँ, चलिए, हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू, आपका जो पहला पॉइंट है वो बोल रहा है, पहले पॉइंट का जो क्वेश्चन है वन गिवन पॉइंट, यानी कि एक आपको गिवन पॉइंट है, आप उससे कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, उनका पूछने का मतलब ये है, ठीक है बेटा। देखिए एक गिवन पॉइंट से, सपोज कीजिए मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया, ठीक है, इससे मैं कितनी भी लाइन खींच सकता हूँ, ये देखिए आप बना रहा हूँ बार बार, ऐसी लाइन्स जो इस पॉइंट से पासिस थ्रू होकर जा रही हैं, बहुत सारी लाइन बन जाएंगी, ठीक है, जो इस पॉइंट से होकर जा रही हैं आपकी, तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फाइनाइट, क्या इन्फाइनाइट, दोबारा लिख देता हूँ स्पेलिंग, कभी आप नहीं समझ में आए, एन एफ आई एन आई टी, इन्फाइनाइट, ठीक है, इसका आंसर हो गया इन्फाइनाइट या नो काउंटलेस, ठीक है, या नो काउंट, काउंटलेस बोल सकते हो आप, इन्फाइनाइट बोल दो या फिर और काउंटलेस, आपकी बुक में आंसर जो होगा ये होगा शायद काउंटलेस, एक ही बात है दोनों का, ठीक है, जिनको गिन नहीं सकते हैं वो क्या काउंटलेस। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसका जो दूसरा पॉइंट है बी, उसमें क्या है, टू गिवन पॉइंट्स, अगर टू गिवन पॉइंट्स हैं, टू गिवन पॉइंट हैं आपके, तो वहां से आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो,
ओनली वन, आंसर जो होगा आपका यहाँ वो होगा ओनली वन। ओनली वन क्यों होगा बेटा? सपोज कीजिए मैंने टू पॉइंट्स ले रखे हैं आपके ए एंड बी, अब इनके पॉइंट्स के बीच में आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो? सिंपल वन, ओनली वन लाइन, इससे ज़्यादा नहीं, ओनली वन लाइन। तो इस वजह से इसका आंसर क्या होगा बेटा? ओनली वन। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, आपने कर लिया हुआ नोट डाउन, मैं हटा देता हूँ। देखिए अगर आप नोट डाउन नहीं कर पाते हो, वीडियो लगातार चलती रहती है, तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करो और उसके बाद में आप आराम से लिख सकते हो, फिर आगे बढ़ जाइए, ठीक है? इसी वजह से मैं साइड में हट जाता हूँ जो आपको दिखने में दिक्कत ना हो। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर फाइव है,